देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स एक्स यानी छह एक्स है मेरे पास, सिक्स एक्स हैव टू बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर्स गिवन बिलो सच दैट ईच रो कंटेन एटलीस्ट वन एक्स। ये देखो ये फिगर गिवन है, इसमें टोटल कितने स्क्वायर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर। इन 8 स्क्वायर में अब यहाँ देखो फालतू का दिमाग मत लगाना अपना कि आप ये लोग कहो कि ये भी तो एक स्क्वायर हो सकता है, ये भी एक स्क्वायर हो सकता है, वो सब चीजें नहीं काउंट होगी, केवल इन्हीं 8 को पाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स पुट करने हैं, 6x है और टोटल 8 बॉक्सेस है, ठीक है। और ऐसे पुट करना है कि हर ईच रो कंटेन एटलीस्ट वन एक्स। रो कितनी है देखो, R1 R2 एंड R3, ठीक है, तीन रो है, R1 R2 R3, हर रो में कम से कम एक एक्स होना चाहिए। तो देखो मेरे को 6x डाल दिया, मेरे पास टोटल स्क्वायर तो है 8, ठीक। तो पहले कुछ देर के लिए हम ये कंडीशन बोल रहे हैं, बस इतना ही बात करें कि 6x को 8 बॉक्सेस में रखने के तरीके कितने हैं। आपको 6x रखने, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन 8 में से पहले किन्हीं 6 बॉक्स का सिलेक्शन करोगे। जैसे हो सकता है कि 2 ये ले लिए मैंने, 4 ये ले लिए, या फिर 2 ये ले लिए, 2 ये ले लिए और 2 ये ले लिए, तो भी 6। तो देखो नंबर टोटल वे जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन, 8 में से कोई 6 का सिलेक्ट किया, 6 बॉक्स लिए, अब उन 6 बॉक्स में x को डालें, सारे x एक जैसे हैं, ये देखो 6x, एक जैसी थिंग्स है, एक जैसे ऑब्जेक्ट है, उनको रखने के तरीके कितने होते हैं, एक ही तरीका होता है, ठीक है। ये तो हुए टोटल। अब ये मैं निकाले क्यों, अगर आपको याद होगा पी एंड सी हमने जब भी पढ़ा, मैंने कहा था जब भी एटलीस्ट वाला कोई क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट, तो हमने क्या किया है, उसको टोटल निकाला और उसका रिवर्स क्या किया, टोटल में से माइनस किया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल निकाले पहले, टोटल जो भी मेथड बेस नंबर ऑफ बेस होंगे उसमें से हम इसका रिवर्स क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आओ देखो, यहां लिखा मैंने Required ways, तो वो क्या बनेंगे, टोटल ways, फिर माइनस। अब देखो उसका रिवर्स क्या होगा, उसने कहा हर रो में कम से कम एक एक्स होना चाहिए, तो इसका उल्टा क्या होगा कि कोई एक रो ऐसी हो जिसमें एक्स ना हो, यानी वन रो रिमेन एम्प्टी। तो टोटल वे तो कितने, 8 से 6 है ही हमारे पास। अब इसको देखो मैं ऐसे बता रहा हूं कि हो सकता है R1 R2 R3, यानी R3 बाहर लगाया, इसका मतलब R3 खाली, R3 में कुछ नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है R1 R2 R3 यानी R2 में कुछ नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है R1 खाली R2 R3 में हमने सारे के सारे एक्स्ट्रा डाल दिए, यानी ये एक रो एम्प्टी इन तीन तरीकों से हो सकता है, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। 8C6 R3 में तो जाएगा ही नहीं, R3 खाली है, तो इसका मतलब सारे किस में जाएंगे, R1 R2 में जाएंगे। तो देखो R1 R2 में कितने बॉक्सेस है, 1 2 और ये 4 6, तो 6 में से 6 का सिलेक्शन और इनटू एक तरीका ही क्यों, 6 के 6 एक्स को रखने का एक ही तरीका। देखो अगर मैं सारे x इसमें डाल दूं ना, यहाँ xx लिख दूं, फिर xx लिख दूं, फिर मैं कह दूं उस x को हटा के इससे रिप्लेस किया, तो कोई नहीं कहेगा कि ये अलग मेथड है, सेम ही अरेंजमेंट, ठीक है। अब आते हैं R2 को मैंने खाली छोड़ा, तो सारे R1 और R3 में जाएंगे, R1 R3 में अगर मैं सारे डालूं तो 4 ही आ सकते हैं, 6 तो आ ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे, 0 तरीके नंबर ऑफ वेज 0। अब R1 में खाली रखें, R2 R3 में डाल दें, तो वही 6 ही बचे, 6 में 6 का सिलेक्शन इनटू 1, तो 8C6 माइनस 2, ये 1 हो गया, ये भी 1, ये होंगे नंबर ऑफ बेस। अब इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा तो आपको सोल्व करने, और कल इसी टाइम से पहले कल शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको उनके सोल्यूशन भेजने, ठीक है, हर कोई अपने सोल्यूशन भेजेगा,
और कल शाम को मैं उन दो क्वेश्चनों के आपको सॉल्यूशन भेजूंगा उसके बाद में, ठीक है।